फाइव नंबर दिया है इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट ऑफ एक्स माइनस का अल्फा और बीटा माइनस का एक्स। कह रहा है कि यहाँ पे बीटा जो है ना ग्रेटर है अल्फा से। क्या दिया है, एक्स माइनस का अल्फा इंटू में बीटा माइनस का एक्स। चलिए तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी। क्या होगा अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा जी, बीटा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा एक्स, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का अल्फा बीटा ऐसे रखो, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में अल्फा बीटा, या फिर प्लस में बीटा अल्फा, पहले बीटा एक्स लिख देते हैं, प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर पहले मैंने लिख ही दिया है। माइनस अल्फा बीटा, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा इंटू में एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद माइनस ऑफ अल्फा बीटा माइनस अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू में एक्स स्क्वायर, सो टू इंटू में एक्स इंटू में बीटा प्लस अल्फा बाई टू। तो इसका एक बार स्क्वायर ऐड करना होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं, तो यहाँ से अंदर फॉर्मूला सेट हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा ब्रेक माइनस अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्स माइनस, इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर और नीचे टू का स्क्वायर, ये फोर हो जाएगा। इसको इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं फोर, तो जगह माइनस का फोर अल्फा बीटा और प्लस में बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा या माइनस फोर अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और बाई में फोर, है ना जी। और फिर माइनस एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर, ठीक है ना जी। ऐसा मैंने बीटा अल्फा माइनस बीटा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बीटा ग्रेटर है अल्फा से, आपके क्वेश्चन में पहले ही कह रहा था, तो इसलिए ऐसे मैंने लिया बीटा माइनस अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वहां पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा का अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू का स्क्वायर डी एक्स, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, ये रूट ऑफ डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स वाले पे है, चलिए साइन इनवर्स वाले पे है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स वाले पे है तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसका देखो डेरिवेटिव तो वन हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई टू और बाई में ए यानी कि बीटा माइनस अल्फा बाई टू और प्लस में सी। चलिए एलसीएम ले ले क्या दोनों जगह, साइन इनवर्स ऊपर एलसीएम हो जाएगा टू, टू एक्स माइनस का बीटा माइनस का अल्फा और बाई में टू यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा और प्लस, ये टू से टू कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टू एक्स माइनस का बीटा माइनस का अल्फा बाई में बीटा माइनस अल्फा और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन।